गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम प्लेस वैल्यू को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला नंबर है 817। इसके नाम हम याद करेंगे, 7 जो है वो 1 की प्लेस पर है, 1 जो है वो 10s की प्लेस पर है और 8 जो है वो 100s की प्लेस पर होता है। तो 817 में हमको 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या थी? 1s 10s। तो 1 जो है वो 10s प्लेस पर है। तो अगर नंबर्स में लिखना है तो हम केवल 10s लिख देंगे, लेकिन अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम लिखेंगे 1 10। उसके आगे s नहीं लगाएंगे, हमें केवल लिखना है 1 10, 1 TEN 10। ये होगी हमारी 817 में 1 की प्लेस वैल्यू। ऐसे ही हमारा दूसरा नंबर है 176। इसमें भी हमको 1 की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको देखते हैं, 1s 10s 100। तो 1 हमारा कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। तो यहाँ तो हमने लिख दिया 100 नंबर्स में, लेकिन जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है? 1 100। केवल 100 इसमें हमको s नहीं लगाना। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, 1 के बाद जो भी उसकी प्लेस वैल्यू आ रही है उसके आगे हमको s नहीं लगाना। थर्ड नंबर है हमारा 593। इसमें हमको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 3 हमारा कौन सी प्लेस पर है? चलिए देखते हैं, 1s। तो 3 हमारा कौन सी प्लेस पर है? 1s पर। तो यहाँ पे हमने नंबर्स में लिख दिया ओनली नंबर 3, और अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो 3 1s। यहाँ पे हमने 1s में s लगाया है क्योंकि 3 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है और 1 हमारा सिंगल नंबर होता है, तो उसमें हम s नहीं लगाते। नेक्स्ट है हमारा 760। इसमें हमको 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 0 भी हमारा कौन सी प्लेस पर है? 1s प्लेस पर। अब इतना तो आप लोगों को ध्यान याद में हो गया होगा कि 1s 10s और 100 होते हैं। तो 0 हमारा 1s प्लेस पर है, तो हमने लिख दिया 0। और वर्ड्स में लिखेंगे तो 0 1s। यहाँ भी मैंने s लगाया है। उसके बाद हमारा नंबर 23। इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो 3 नंबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पीछे से पढ़ना होता है। चलिए पढ़ते हैं, 1s और 10s। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इसमें 10s हो गई। तो हमने इसको लिख दिया 20, 2 10s मतलब 20। और अगर इसमें हम वर्ड्स में लिखेंगे तो 2 10s। ये हो गया हमारा वर्ड्स में 2 10s। यहाँ भी मैंने s लगाया है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 241। इसमें भी हमको 1 की लेनी है प्लेस वैल्यू। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1s 10s 100। 1 किसको कौन सी प्लेस पर है? 1s प्लेस पर है। तो यहाँ पे नंबर्स में तो मैंने लिख दिया 1, और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 1 1। s लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 84। 84 में हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 हमारा कौन सी प्लेस पर है? देखते ही समझ में आ रहा होगा, 4 हमारा 1s की प्लेस पर है। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 और यहाँ पे लिख दिया 1s। यहाँ पे s लगाएंगे क्योंकि 4 हमारा बड़ा नंबर होता है। 917। इसमें भी हमें 1 की प्लेस वैल्यू लेनी है। मैंने 1 ज्यादा जान के लिए है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो 1 की प्लेस वैल्यू लेनी है, बतानी है। तो 1 हमारा कौन सी प्लेस पर है? 1s 10s 10s प्लेस पर है। तो यहाँ पे हमने 10s लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे 1s और 10s। तो ये सही है कि गलत है हमारा? ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमको लिखना है केवल 1 10, क्योंकि हमको इसमें s नहीं लगाना। तो आप लोग s ना लगाएं तभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 563। इसमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। चलिए पढ़ते हैं, 1s 10s 100। फिर से पढ़िए, 1s 10s 100। तो 5 हमारा कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। तो हमने लिख दिया 500। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 500। तो क्या ये सही है? अगर हम 5 के संग 100 लिखेंगे तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे s लगाना पड़ेगा। उसके बाद है लास्ट नंबर है हमारा 670। चलिए इसके नाम देखते हैं, 1s 10s 100। तो 6 कौन से नाम में बैठा हुआ है या कौन सी प्लेस पर बैठा हुआ है? 100 प्लेस पर बैठा हुआ है। तो हमने लिख दिया 600। और यहाँ पे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? याद रखिएगा, हमको s लगाना है। तो s हमको केवल 1 जो नंबर आएंगे उनके साथ नहीं लगाना, बाकी सारे नंबर्स के साथ हमको s लगाना है। और जब आप लोग वर्कशीट करें तो मुझको दोनों फॉर्म में आंसर लिख के दीजिएगा।
नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी। अगर आप नंबर्स में केवल लिख के दे रहे हैं तो आप वर्ड्स में भी लिखकर मुझको आंसर सेंड करिएगा। बाय।